हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रणजी ट्रॉफी का मुंबई वर्सेस सौराष्ट्र के मैच के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 14 आवर्स 9 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का आंसर देखा जाए तो एक कल सुबह को 9:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें जाए तो 300 से 310 का बीच में स्कोर बनेगा और ये पिच स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल सोनी होता तो आप टेलीग्राम में जाकर @jhofantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया। दोस्तों, इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1150 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको वायलेट कलर का JA दिखाई दे रहा है, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम का नीचे मैं 2 लिंक प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। एक है माई मास्टर लेवल का, दूसरा कुबेरा का। दोनों अब कमाल का है, दोनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, दोनों में 100% मनी इजिली से अर्न कर सकते हैं। दोनों कमाल का ऐप है दोस्तों। माई मास्टर इलेवन के बारे में बात करें तो माई मास्टर इलेवन एक न्यू ऐप है और इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, 100% मनी इजिली से अर्न करेंगे। कमाल का ऐप है दोस्तों माई मास्टर इलेवन। कुबेरा के बारे में बात करें तो कुबेरा के बारे में सब लोग जानते हैं दोस्तों। इसी तरह कुबेरा में आपको DUO का टीम मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको 5 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर आपको एक प्लेयर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको इसी तरह एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा दोस्तों। आप 100% से मनी इजीली से अर्न करेंगे। कमाल का ऐप है दोस्तों कुबेरा। कुबेरा में अगर आप DUO में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। दोस्तों, मेरा तरह आपको भी मनी इजीली से अर्न करना है तो माई मास्टर इलेवन का लिंक से माई मास्टर इलेवन को डाउनलोड कर लीजिए, कुबेरा का लिंक से कुबेरा का। दोनों ऐप में आप इजीली से मनी अर्न करेंगे दोस्तों। एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए और खेल के एक बार देखिए दोस्तों। 100% इसमें मनी इजीली से अर्न करेंगे। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करें जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूंगा, हेच देसाई। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, आप इनको 100% पिक कर लेना। हेच देसाई का लाश्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। हेच देसाई ने लास्ट मैच 131 बॉल्स पर 78 रन मारे दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, लास्ट मैच 78 रन मारे हैं। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने सेल्डन जैक्सन को पिक करूंगा और अंजिक्य रहाणे को और सरफराज खान को और सूर्य कुमार यादव को दोस्तों और यशस्वी जायसवाल को। पूरा मैंने 5 बैट्समैन को पिक किया, पांचों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, आप पांचों को 100% पिक कर लेना। पांचों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो सेल्डन जैक्सन के बारे में बात करते जाए तो सेल्डन जैक्सन ने लास्ट मैच में 129 बॉल्स पर 81 रन मारे। सो लास्ट मैच सेल्डन जैक्सन ने कमाल का बैटिंग किया। सो सौराष्ट्र के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। सो कमाल का विकेट कीपिंग भी करते हैं। और अंजिक्य रहाणे के बारे में बात कर देते हैं। अंजिक्य रहाणे ने लास्ट मैच में 261 बॉल्स पर 204 रन मारे दोस्तों। अंजिक्य रहाणे भी ने लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों मुंबई के लिए। और सरफराज खान के बारे में बात करें तो सरफराज खान ने लास्ट मैच 161 बॉल्स पर 126 रन मारे दोस्तों। सरफराज खान में कमाल का फॉर्म है दोस्तों, अब बहुत जल्द इंडिया टीम में आ सकते हैं दोस्तों। कमाल का बैट्समैन है सरफराज खान। और सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने लास्ट मैच में 80 बॉल्स पर 90 रन मारे दोस्तों। सूर्य कुमार यादव कमाल का प्लेयर है दोस्तों। टेस्ट में भी टेस्ट की तरह नहीं खेले, 80 बॉल पर 90 ओडीआई कर जैसे खेले, कमाल का प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। और यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने लास्ट मैच में 195 बॉल्स पर 162 रन मारे। सो जायसवाल ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया, 195 बॉल्स पर 162 रन। मैंने बैट्समैन 5 बैट्समैन को पिक किया, उसे पांचों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, पांचों को 100% पिक कर लें। मैंने पांचों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, पांचों बैट्समैन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, पांचों को 100% पिक कर लेना। आप ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने पी मानकट को पिक करूंगा, सी जैन को। मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया, सो दोनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, दोनों को 100% पिक कर लेना। दोनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो
पी मानकांड के बारे में बात करें तो पी मानकांड ने लास्ट मैच में 38 बॉल्स पर 32 रन मारे हैं दोस्तों, और 33 ओवर्स डाल के एक विकेट भी लिए हैं। और सी जैन के बारे में बात करें तो सी जैन ने लास्ट मैच में 66 बॉल्स पर 32 रन मारे हैं और 34 ओवर्स डाल के 3 विकेट लिया दोस्तों। कमाल का बैटिंग किया, कमाल का बॉलिंग भी। मैंने ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, दोनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, दोनों को 100% पिक कर लेना। मैंने दोनों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने चेतन सेकरिया को पिक करूँगा, डी जडेजा और को दीक्षित पांडे को। पूरा मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो चेतन सेकरिया के बारे में बात करें तो चेतन सेकरिया ने लास्ट मैच में 25 ओवर्स डाल के 3 विकेट्स लिए, सो कमाल का बॉल है दोस्तों। चेतन सेकरिया सौराष्ट्र टीम में जयदत्त उनादकर नहीं दोस्तों, इसी कारण भी चेतन सेकरिया मेन बॉलर है दोस्तों। सौराष्ट्र टीम के चेतन सेकरिया भी लेफ्ट आर्म फेसर है दोस्तों, आप इनको आईपीएल में देखे होंगे, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में। कमाल का लेफ्ट आर्म फेसर है दोस्तों, इंडिया टीम के लिए भी कमाल का प्रदर्शन दिए हैं। श्रीलंका का खिलाफ मैं डिब्यू किया था दोस्तों, इंडिया टीम में कमाल का बॉलर है चेतन सेकरिया। और डी जडेजा के बारे में बात करें तो डी जडेजा ने लास्ट मैच में 23 बॉल्स पर 26 रन मारे हैं दोस्तों और 51 ओवर्स डाल के 1 विकेट लिया दोस्तों। डी जडेजा को लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला दोस्तों, लेकिन कमाल का बॉलर है। और दीक्षित पांडे के बारे में बात करें तो दीक्षित पांडे ने लास्ट मैच में 9 ओवर डाला था दोस्तों, 9 ओवर डाल के 1 विकेट लिए। मैंने बॉलर्स में 3 बॉलर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 5 बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 2 ऑलराउंडर्स को पिक किया, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक किया दोस्तों, उनका स्टैट्स भी बता दिया। ये 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा अंजिके रहाणे और वाइस कैप्टन में एसीसी जयसवाल को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 1 विकेट कीपर को पिक किया एच देसाई को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 5 बैट्समैन को पिक किया, सेल्डन जैक्सन, अंजिके रहाणे, शाहरुख खान, एसीसी जयसवाल और सूर्य कुमार यादव को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 2 ऑलराउंडर को पिक किया, पी मानकांड और सी जैन को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, चेतन सेकरिया, डी जडेजा और दीक्षित पांडे को। दोस्तों मैंने कप्तान में बनाया हूँ अंजिके रहाणे को और वाइस कप्तान में एसीसी जयसवाल को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।